एमपी में सरकार बनने के साथ ही कांग्रेस की मुश्किलें क्यों शुरू हो गई हैं? आखिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और कांग्रेस को चेतावनी देने वाला यह संगठन कौन है, और संगठन की चेतावनी कांग्रेस के लिए आखिर मुश्किल का सबब क्यों बन सकती है, ये आपको हम बताते हैं। मध्य प्रदेश में वैसे तो 15 सालों तक सत्ता से बनवास निभाने के बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई है, लेकिन इसके साथ ही मंत्रिमंडल के गठन से ठीक पहले कांग्रेस की सहयोगी और आदिवासी इलाकों में प्रभाव रखने वाली जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन यानी शॉर्ट फॉर्म में जयस ने कांग्रेस को दो टूक चेतावनी दी है। मध्य प्रदेश का संगठन जयस आदिवासी इलाकों में अच्छा खासा प्रभाव रखता है। जयस प्रमुख हीरालाल अलावा ने कहा है कि उनकी अनदेखी करना कांग्रेस की बड़ी भूल होगी। अपने एक ट्वीट के जरिए जयस प्रमुख ने मंत्री न बनाए जाने पर इशारों में कांग्रेस को चेतावनी देते हुए लिखा है, जयस ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। वादे के मुताबिक जयस की भागीदारी सरकार में होनी चाहिए। जयस को अनदेखा करना कांग्रेस की बड़ी भूल होगी। अब आप खुद सोच रहे होंगे कि जो संगठन कांग्रेस को इस तरह धमकी दे रहा है, आखिर उसके पास कितने विधायक हैं? आपको बताते चलें कि जयस के मात्र एक विधायक हैं और वो विधायक खुद पार्टी प्रमुख हीरालाल अलावा हैं। लेकिन हीरालाल अलावा का बयान ऐसे वक्त में आया है जब मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पहली बार के विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल न किए जाने का साफ ऐलान किया है। उधर सियासी गलियारों में अलावा के इस ट्वीट के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। हीरालाल अलावा धार जिले के मनावर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीते हैं। जयस और कांग्रेस के बीच हुए गठबंधन के चलते विधानसभा क्षेत्र उन्हें दिया गया था। हालांकि अलावा का चुनाव चिन्ह कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथी था। जयस के साथ हुए समझौते की वजह से ही कांग्रेस को मालवा निवाड़ में बड़ी कामयाबी मिली है, ऐसा हीरालाल का दावा है। अब यही वजह है कि जयस प्रमुख हीरालाल सरकार में अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं। वैसे कांग्रेस बहुमत से दो विधायक पीछे है, ऐसे में अलावा की इस डिमांड से क्या कांग्रेस की मुश्किलें भविष्य में बढ़ेंगी, ये देखने वाली बात होगी। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।